यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जोरदार एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। यहाँ डायल 112 की खातून मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया है। डायल 112 ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर एहतजाज कर रही खवातीन को रोका है। ये सभी खातून मुलाजमीन तनख्वाह बढ़ाने और तकरूरी लेटर देने की मांग कर रही है। तो लखनऊ में भी ऐसा ही असर देखने को मिल रहा है। पटना में भी बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। आपने पटना की तस्वीरें देखी, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड पर बने हुए हैं और लखनऊ से भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो खातून मुलाजमीन है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर सरकार के सामने रख रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये खवातीन मजबूर हो चुकी है, प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। लखनऊ में भी इसी तरह के हालात हैं, तो दूसरी तरफ पटना में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने को मिल रहा है। तो वहीं पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन खवातीन को मुंतशिर करने के लिए यह तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, डिटेन कर ले जा रही है पुलिस। लेकिन ये खवातीन अपने मुतालबात को लेकर डटी हुई नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस और खवातीन के बीच मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। असेंबली का घेराव भी करने के लिए पटना में खवातीन पहुँची हुई थी। तो तनख्वाह बढ़ाने की मांग ये कर रही हैं। डायल 112 ऑफिस के बाहर मुजाहरा यहाँ पर किया जा रहा है और इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अतीक, आपके पास आना चाहेंगे। अतीक, क्या कुछ मुतालबे और किस तरह से एहतजाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कह सकते हैं सभा की कल दिन से ही जो है 112 की जो महिला कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि जो उनकी सैलरी है 12,000 रुपये से 18,000 रुपये की जाए और नियुक्ति पत्र को देकर लगातार मांग कर रही थी। 112 पे जो महिला कर्मचारी जो फोन रिसीव करती हैं और जो कंप्लेन आती है उसको कह सकते हैं कंप्लेन दर्ज कराती हैं, उनको लेकर महिलाओं का काम करती थी और लगातार ये महिलाएं लगा रही आरोप की जो नई कंपनी आ गई, उन्हें कंपनी को ठेका दिया गया है। उस ठेके के दौरान जो नई कंपनियाँ हैं वो जो नई महिला कर्मचारी है उनको वर्क पे दे रही है, काम दे रही हैं और इनको निकालने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार ये महिला कर्मचारी 112 के बाहर मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही थी। कह सकते हैं यूपी बारह मुख्यालय के डायल 100 का एक जो है कार्यालय है और लगभग 600 महिलाएं यहाँ पर काम करती, जिसमें 100 महिलाएं लगातार कल प्रदर्शन करती हैं। पूरी रात लगातार ये महिलाएं प्रदर्शन के लिए रात भर बैठी रही हैं बाहर। कई अधिकारियों ने इनको कह सकते हैं सुनाने का प्रयास किया था, जो 112 के अधिकारी थे और भी कई अधिकारी थे जो लगातार वो सुनाने काम कर रहे थे, मगर उसके बावजूद भी महिला लगातार बात करी, कंपनी के CEO की बात करी, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी उनसे आगे बात करें जिसके बाद प्रदर्शन खत्म होगा। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 44 लागू भी है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन करने का करना मना भी है, उसके बावजूद भी लगातार ये महिलाएं प्रदर्शन करते हुए आज CM कार्यालय का घेराव करने जा रही थी, जिसके बाद लखनऊ कैंट पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है और लगातार इनको समझाने की बात की जा रही है, मगर महिलाएं अभी भी अड़ी हुई है कि उनकी जो मांगे हैं नियुक्ति पत्र को लेकर जो सैलरी बढ़ाने की मांगे हैं उसको माना जाए, उसके बाद प्रदर्शन खत्म करेंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अतीक, क्या आपने खवातीन से बात की, क्या कुछ वो कह रही हैं? क्योंकि ये मांग पहले भी हमने देखा है काफ़ी बार से उठती भी नज़र आ रही है, तनख्वाह को लेकर और परमानेंट करने को लेकर। क्या किसी भी तरह से हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने इनसे बात करने की कोशिश की? कई साल से यहाँ, कई साल से 112 में महिलाएं कार्यरत थी और कई साल से यहाँ काम कर रही थी। हालांकि लगातार वो ये बात कर रही थी कि उनको परमानेंट करने की बात लगातार चल रही थी, शासन से इस बात को कई बार कहा भी गया था कि उनको परमानेंट किया जाएगा, मगर अभी जो नई कंपनी आ गई है जिनको ठेका दिया गया, उस कंपनी में इन्होंने आरोप लगाया है कि वो कंपनी इन पुरानी महिलाओं को निकालने का कर्मचारी काम कर रही, पिछले कई साल से वो निकालने का काम कर रही और नई भर्ती की बात चल रही थी, जिसको लेकर इन महिलाओं का फुटा